हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। राजभवन में होगा समारोह। पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री भी लेंगे शपथ। विधायक दल का नेता चुन जाने के बाद राज्यपाल से मिले धामी। गढ़वाल क्षेत्र की नाराजगी दूर करने के लिए उत्तराखंड में डिप्टी सीएम बना सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में संतुलन साधने की कोशिश। सीनियर नेताओं को दरकिनार कर पुष्कर सिंह रावत को सीएम बनाने पर बीजेपी के कई विधायकों में नाराजगी। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर नेताओं की बैठक। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य समेत कई विधायक और मंत्री बताए जा रहे हैं नाराज। बिशन सिंह चुफाल ने कहा कोई नाराजगी नहीं। सतपाल महाराज से भी मिले पुष्कर सिंह धामी। सतपाल के घर पर जाकर की मुलाकात। सीएम रेस में शामिल रहे धन सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाए जाने पर विधायकों में नाराजगी से किया इनकार। कहा पार्टी के फैसले से सभी खुश। उत्तराखंड के मंत्री बंशीधर भगत ने भी नाराजगी की खबर खारिज की। कहा नाराजगी जताने 35 विधायकों के दिल्ली जाने की खबर गलत। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिले पुष्कर सिंह धामी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी की मुलाकात। पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी से भी मुलाकात की। शपथ ग्रहण से पहले लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में सीएम बदले जाने पर मनीष सिसोदिया बोले देवभूमि में मजाक कर रही है बीजेपी। काम जीरो किया, सिर्फ मुख्यमंत्री बदले। जम्मू के बीरपुर इलाके में कल रात करीब 8:30 बजे फिर दिखा ड्रोन, सुरक्षा बल अलर्ट। पूरे इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। दरभंगा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार लश्कर के आतंकी नासिर और इमरान को एनआईए की टीम दिल्ली लाई। एनआईए को 9 जुलाई तक मिली है दोनों आरोपियों की रिमांड। एनआईए की टीम कफील को सोमवार को दिल्ली ला सकती है। पटना की अदालत ने शनिवार को 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा था। ट्विटर के खिलाफ एक और केस दर्ज। एक वकील ने माकाली को लेकर ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने का लगाया आरोप। लखनऊ में पूर्व सांसद दाऊद अहमद की प्रॉपर्टी पर चला यूपी सरकार का बुलडोजर। 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत जमींदोज। लखनऊ के प्रतिबंधित इलाके में बन रहा था दाऊद अहमद का बंगला। पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में बन रही थी इमारत। हाईकोर्ट और एलडीए ने दिए इमारत गिराने के आदेश। राफेल डील पर फ्रांस ने जांच शुरू होने के बाद कांग्रेस हमलावर। पूछा अभी तक क्यों चुप है सरकार। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सुरक्षा पर ढोंग रचने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होना सिर्फ नारा बना। कांग्रेस ने फिर दोहराया आरोप। 570 करोड़ के राफेल विमान को भारत सरकार ने 1670 करोड़ में खरीदा। फ्रांस में राफेल सौदे की जांच के बाद राहुल गांधी का सरकार पर अटैक। पूछा सरकार क्यों नहीं करा रही जेपीसी जांच। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दिया राहुल को जवाब। कहा 2019 में राफेल पर गाली गलौच करने के बाद और नीचे गिरे। 2024 चुनाव भी राफेल पर लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। अखिलेश यादव ने राफेल और राम मुद्दे पर ली चुटकी। कहा आस्था के चंदे और देश की रक्षा के सौदों में भी कमा लेते हैं लोग। ओवैसी की बीजेपी सरकार नहीं बनने देने की चुनौती पर योगी ने दिया जवाब। कहा ओवैसी की चुनौती बीजेपी को मंजूर। 2022 में 300 से अधिक सीट जीतकर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। योगी ने कहा ओवैसी का गठबंधन यूपी में कुछ नहीं कर सकता। यूपी की जनता जाति मजहब से ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए तैयार। सुहेल देव भारतीय समाजवादी समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। अगर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मतदाता बनेंगे तो सीएम बन सकते हैं। जिला पंचायत चुनाव में अखिलेश की धांधली के आरोप पर बोले योगी। कहा जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा। अखिलेश को आरोप लगाने की है आदत। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धांधली का लगाया आरोप। कहा बीजेपी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मनाया मजाक। बीजेपी ने धांधली कर जीता इलेक्शन। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 75 में से 67 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट पर जीत मिली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खत। इस साल भारतीय डॉक्टर को भारत रत्न देने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कोरोना से जंग में बहुत से डॉक्टरों और नर्सों ने गंवाई अपनी जान। जरूरी हो तो भारत रत्न देने का नियम बदलने की मांग की। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी नेता आशीष शेलार से मिलने से इनकार। कहा विधानसभा सत्र को देखते हुए उड़ाई गई अफवाह। संजय राउत ने कहा बहुत पहले आशीष शेलार से हुई थी मुलाकात। महाराष्ट्र की राजनीति भारत पाकिस्तान जैसी नहीं। बिजली संकट के बाद पंजाब सरकार बादल सरकार में हुए बिजली खरीद के समझौते की कर सकती है समीक्षा। सीएम अमरिंदर सिंह ने दिए संकेत। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की वकालत की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल चुनाव जीतने पर इतनी ही बिजली मुफ्त देने का कर चुके हैं ऐलान। बकाया बिल पर सुखबीर बादल के आरोपों पर बरसी सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर। कहा जाड़े और गर्मी में आ रहे थे एक जैसे बिल। सांसद भगवंत मान और विधायक हरपाल सिंह चीमा समेत आम आदमी पार्टी के 23 नेताओं पर केस दर्ज। कल मोहाली में अमरिंदर सिंह के घर के पास किया था प्रदर्शन। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के बगावती तेवर जारी। अचानक पहुंचे दिल्ली, आरजेडी नेताओं से कर सकते हैं संपर्क। मुकेश सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। नीतीश सरकार में अफसरशाही के हावी होने का लगाया था आरोप। कांग्रेस के केरल के 2 सांसदों की लक्षद्वीप में एंट्री नहीं। लक्षद्वीप प्रशासन ने दोनों की राजनीतिक गतिविधियों से राज्य का माहौल खराब होने की जताई आशंका। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक। परिसीमन आयोग की कार्यवाही में पार्टी की भागीदारी पर फैसला संभव।
यौन उत्पीड़न मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने आईएडीएम के मंत्री मणिकंदन को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे लोहिया हॉस्पिटल। कल्याण सिंह का जाना हाल। यूपी में योगी सरकार ने बनाया इतिहास। इसी महीने शुरू होंगे 4 साल में बने 9 मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा लोकार्पण। यूपी के सीएम योगी पहुंचे लखनऊ के लोहिया अस्पताल। शरीर में सूजन आने के बाद अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जाना हाल। बेंगलोर में महंगे पेट्रोल पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। एक पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी। दिल्ली में शतक के और करीब पहुंचा पेट्रोल। राजधानी में रेट 99.51 रुपए। दिल्ली में कोरोना कहर कम होने के बाद आज से 497 मोहल्ला क्लिनिक शुरू। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और हेल्थ मिनिस्टर ने वेस्ट विनोद नगर क्लिनिक का किया उद्घाटन। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन बोले, एमसीडी के नोटिस के कारण 1-2 को छोड़कर बाकी क्लिनिक किए जा रहे हैं शुरू। तिहाड़ जेल में बंद सुशील कुमार ने कुश्ती देखने के लिए जेल में मांगा टीवी। पहले प्रोटीन युक्त खाने की मांग कर चुके हैं। यूपी के अलीगढ़ में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। लड़की को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया। मिल्खा सिंह की याद में किसान संयुक्त मोर्चा ने किया किसान मजदूर मैराथन का आयोजन। टिकैत ने कहा, दौड़ से मिल्खा को परिवार को देंगे मैसेज। यूपी के सीएम योगी ने सुल्तानपुर में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किया पौधारोपण। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 1 दिन में 9 करोड़ पौधारोपण किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी में किया पौधारोपण। अपने हर जन्मदिन पर पौधे लगाने की अपील की। नेपाल के राजदूत पहुंचे यूपी के हापुड़। ब्रजघाट पर गंगा आरती में हुए शामिल। दिल्ली में कल से खुलेंगे स्टेडियम और खेल परिसर। दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी। डीडीएमए ने जारी किया आदेश। दिल्ली में अभी बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर। स्विमिंग पूल को भी राहत नहीं। कर्नाटक में कल से खुलेंगे मॉल्स और धार्मिक संस्थान। मॉल्स में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ। देश में 1 दिन में कोरोना के करीब 43,000 केस आए। 24 घंटे में 955 लोगों की मौत। देश में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लगी वैक्सीन। कल 57 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का आंकड़ा जारी किया। कोवैक्सीन कुल 77.8% प्रभावी। डेल्टा वेरियंट पर भी 65% असरदार। भारत से कोवैक्सीन खरीद पर बड़ी ब्राजील के राष्ट्रपति की मुश्किल। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक जांच के लिए आदेश। कोवैक्सीन खरीद पर ब्राजील के राष्ट्रपति के खिलाफ साओ पावलो में बड़ा प्रदर्शन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की मांग। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,489 केस। 153 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 86 नए केस। 5 की मौत। मुंबई में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और बीजेपी नेता फडणवीस मौजूद। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में सरकार के लगाए प्रतिबंधों को तार तार कर लोगों ने कोरोना को दी ताबत। जोधपुर में वैक्सीनेशन में लापरवाही। घूंघट में ही बूथ पर वैक्सीन देते दिखी नर्स। टीका लगाने के लिए भी लोग घूंघट में आ रहे थे। आसनसोल में टीएमसी के नेता ने महिला को लगा दी वैक्सीन। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। मुरादाबाद में वन विभाग ने बनाई स्मृति वाटिका। वाटिका में कोविड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन उनकी याद में लगा सकेंगे पौधा। 2 दिन की बारिश के बाद दिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक 7-8 जुलाई तक नहीं आएगा मॉनसून। बिहार के मोतिहारी में भारी बारिश से आई बाढ़। कई इलाकों में पानी भरा। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तेज बारिश की वजह से मोतिहारी में देखते ही देखते ढह गया मकान का हिस्सा। कई इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। दरभंगा में बाढ़ का कहर जारी। पानी की तेज धार में बही हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड टैंक का किया मुआयना। टैंक का पानी पाइपलाइन के जरिए समंदर में छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी के विवाद को लेकर भारी विवाद। एक वाटर प्रोजेक्ट पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। सीआर पार्क में घर के सामने बुजुर्ग महिला का बदमाशों ने छीना पर्स। बैग छीनने के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को घसीटा। महिला को आई काफी चोट। पंजाब के गुरदासपुर में आपसी रंजिश में खूनी खेल। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। राजस्थान के अलवर में 12 साल की लड़की से गैंगरेप। पड़ोस के 3 लड़कों पर आरोप। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में 5 लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने भेजा नोटिस। पूछताछ में शामिल न होने पर दोबारा भेजा नोटिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 1 किलो से ज्यादा की हेरोइन। हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 7 करोड़ से ज्यादा। चूड़ियों के पार्सल में छिपा कर लाया जा रहा था ड्रग। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट। ट्रक के नीचे आने से 3 लोगों की मौत। मरने वाले बाइक पर कर रहे थे ट्रिपलिंग। महाराष्ट्र के पालघर में भारत केमिकल्स फैक्ट्री में धमाका। 5 जख्मी, 1 की हालत गंभीर। सूरत में पुलिस ने कार रेंटल गिरोह का किया भंडाफोड़। लोगों से किराए पर गाड़ियां लेकर मार्केट में बेच देता था गिरोह। पुलिस ने 1 शख्स को किया गिरफ्तार। 200 से ज्यादा कारें बरामद। हर की पौड़ी पर युवकों के फिल्मी गाने पर डांस की तस्वीर वायरल। केस दर्ज कर डांस करने वालों की पहचान में जुटी पुलिस। मध्यप्रदेश के धार जिले में मामा के लड़के से बात करने पर 2 लड़कियों को परिजनों ने बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरोना काल में नासिक के सिविल हॉस्पिटल में हुई 3,000 महिलाओं की डिलीवरी। सिविल सर्जन ने डॉक्टर्स की मेहनत का नतीजा बताया। फिलीपींस में जवानों को लेकर आ रहा C-130 दुर्घटनाग्रस्त। कम से कम 17 जवानों की मौत। प्लेन में 85 लोग थे सवार। जापान की राजधानी टोक्यो के पास एक रिजॉर्ट शहर में पहाड़ों से गिरकर आए मलबे ने ढाया कहर। 2 लोगों की मौत, 20 लापता। भारी बारिश के बाद मलबा आने से अतामी शहर में करीब 80 मकान दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के अलावा सेना और कोस्ट गार्ड के 3 जहाज शामिल। हेती और डोमिनिका में कहर ढाने के बाद क्यूबा की तरफ बढ़ा तूफान एल्सा। अभी तक 3 लोगों की मौत।
यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। रोम में यूक्रेन को 4-0 से दी शिकस्त। हैरी केन ने दागे 2 गोल। इंग्लैंड की जीत पर रोम से लंदन तक मना जश्न। इंग्लैंड के समर्थकों ने इट्स कमिंग होम के लगाए नारे। 29 साल बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंचा डेनमार्क। चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे जीती महिला टीम। 4 विकेट से जीत दर्ज की। विंबलडन में फेडरर का अभियान जारी। 4 सेट में मिली जीत के बाद चौथे राउंड में पहुंचे। विंबलडन महिला युगल में सानिया मिर्जा की चुनौती खत्म। दूसरे राउंड में मिली हार। मिक्स डबल्स में सानिया की उम्मीद कायम। डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म में सिंगर के रोल में नजर आएंगे विक्की कौशल और मानुषी छिल्लर। फिल्म के लिए मुंबई में बनारस का सेट बनाया गया। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत से नोरा फतेही को दिखाया गया भार। फिल्म में टाइगर निभाएंगे बॉक्सर की भूमिका। और टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के 21 साल पूरे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शेयर किया बीटीएस वीडियो। कहा, शो ने सिर्फ दर्शकों की नहीं शो में काम करने वालों की भी जिंदगी बदल दी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।